आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर ऑन स्टार्टिंग रनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडक्शन मोटर। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसके वर्किंग के बारे में एक वीडियो में और समझाया है, ठीक है। उसके लिए मैं एक रिवीजन भी करा देती हूँ आपको। आज हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे हम लोग एक रेजिस्टेंस या फिर एक कैपेसिटर को यूज़ करके उस मोटर को स्पीडली मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। तो हमारे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इसका कहना है कि हम क्या स्टडी करेंगे कि कैपेसिटर का जो है वो मोटर के रनिंग में यानी चलने में या स्टार्ट होने में या उसके परफॉर्म करने में क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जब कैपेसिटर को आप इंडक्शन मोटर को स्टार्ट या रन या परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ की स्टडी करेंगे। पहले हम लोग समझते हैं इंडक्शन मोटर क्या होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, अपने पास स्टेटर होता है, रोटर होता है। जैसे मैं आपको इस मतलब स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ इसका जो थ्योरी है कि स्टेटर में जब हम यहाँ पे एसी सप्लाई देते हैं तो स्टेटर के वाइंडिंग्स में फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है हमारे रोटर में, तो रोटर को मूव करवाते हैं, ठीक है। सॉरी, रोटर जो है वो रोटेट करना शुरू करता है, इससे क्या है वो रनिंग में आ जाता है मोटर। तो ये हमारा है सिंपल सा सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, बट ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, हम दो तीन तरीके से इसे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला है एक रेजिस्टेंस यूज़ करके, जिसे हम स्प्लिट फेस बोलते हैं। सेकेंड हमारे पास है जो हमारा कैपेसिटर यूज़ करते हैं, कैपेसिटर के थ्रू हम स्टार्ट करते हैं, फिर वो कंटिन्यू मोटर मूव करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको यहाँ पे बताया अभी एक थ्योरी, ठीक है, कैपेसिटर के थ्रू हम कैसे उसको स्टार्ट या रन करवाएंगे, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। डायग्राम में मैंने आपको समझाया, यहाँ पे हमारा क्या है वोल्टेज देने का है ये पॉइंट, ठीक है। ये जो दो टर्मिनल यहाँ से हम इजी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमारा मेन वाइंडिंग है, यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग है और ये स्टार्ट कैपेसिटर, ठीक है। ये मेन वाइंडिंग होंगे, ऑक्सिलरी वाइंडिंग होंगे, यहाँ पे क्या हमारा स्विच है। अब क्या करेंगे, जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग सप्लाई ऑन करेंगे, तो सप्लाई के थ्रू क्या होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमारा करंट फ्लो करेगा, जिसके वजह से कैपेसिटर के हेल्प से मोटर जो है उसको टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और जैसे वो मूव करना शुरू करेगा ये स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच है हमारा, स्विच के थ्रू ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा सिर्फ एक रनिंग वाइंडिंग का काम है, यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग और कैपेसिटर की वजह से यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा और ये रोटर मूव करना शुरू करेगा। जैसे ही मूव करना शुरू किया, जैसे इसको टॉर्क मिला, तुरंत सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो इस वाइंडिंग को, कैपेसिटर को क्या करेगा, डिसकनेक्ट कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, सिर्फ मेन वाइंडिंग है उसी की वजह से ये रोटर कंटिन्यू मूव करेगा। तो ये हमारा वर्किंग है कैपेसिटर के थ्रू स्टार्ट रन या फिर परफॉर्म कराना एक इंडक्शन मोटर को, ठीक है। तो इसे अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बता देती हूँ, ये हमारा क्या है फेजर डायग्राम, जैसे मैंने बताया ये है वी, ये है आई एम, ठीक है, फेज के अकॉर्डिंग। तो ये दिया हुआ आपको फेजर डायग्राम, फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पे टॉर्क स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक, ये हमारा टॉर्क है, ये स्पीड है, इसका कैरेक्टरिस्टिक बनता है, ये मेन वाइंडिंग के लिए है और ये मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इसको प्रैक्टिकल के लिए। स्टूडेंट्स, ये है हमारा किट, ठीक है, फॉर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। इस सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करने से पहले मैं इस किट को आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या है ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा डेमो किट है फॉर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ठीक है। इसमें हमारे पास कनेक्शंस हैं, ये देखो, ये मैंने आपको बताया पहले, ये मेरा आर वन है, यहाँ पे ये आर टू है, ये एक रनिंग वाइंडिंग है। क्या है ये, फर्स्टली हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक रनिंग वाइंडिंग है जिसके दो टर्मिनल्स हैं। नेक्स्ट ये है आपका मोटर, इसके अंदर एक मोटर लगा हुआ है, इंडक्शन मोटर, जिसकी वर्किंग को हमको पूरा करना है, ठीक है, यानी इसको मूव करवाना है। उसे मूव कराने के लिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्टली दो टर्मिनल्स हैं जो कि हमारा रनिंग वाइंडिंग है, आर वन एंड आर टू। फिर हम यहाँ पे आते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग के दो टर्मिनल्स हैं एस वन एंड एस टू, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, और ये हमारा क्या है फ्यूज है, जिसको मैं अभी आपको जूम करके दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ एक फ्यूज स्विच लगा हुआ है, बाय चांस ऐसा कुछ कंडीशन आया जब फॉल्ट आया तो ये फ्यूज़ हमारी हेल्प करेगा। ये है हमारा फ्यूज़, ये है हमारा फ्यूज़, ठीक है। ये लीड या टिन का बना होता है, जैसे आप इसमें देख सकते हो फ्यूज़ में, ये इसके बीच में एक तार लगा हुआ है, ठीक है। फ्यूज़ होता है तो ये तार टूट जाता है, जो कि एक लीड और
पिन का बना हुआ है, तो इसे हम वापस से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक फ्यूज़। इस फ्यूज़ के बाद अब आएंगे हम ये स्विच पे। हमारे पास ये स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, जब हम सप्लाई देंगे तो ऑन ऑफ करने के लिए ये स्विच रहेगा। देन हमारे पास ये इंडिकेटर है, ये रेड लाइट जब चलेगा तो हमको पता चलेगा कि इसमें सप्लाई जो है वो जा रही है, यानी इसमें वोल्टेज फ्लो हो रहा है या करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये एक इंडिकेटर है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे सेंटर पे आके देखते हैं। हमारे पास ये दो टर्मिनल्स हैं, ये कैपेसिटर के लिए है, जैसे मैंने आपको बताया किन किन तरीके से हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण स्पीड का मोटर जो होता है बहुत अच्छे से बढ़ता है। नेक्स्ट चोक है हमारे पास, ये आपको पता नहीं होगा बट एक चोक की हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मोटर को टॉर्क प्रोवाइड कर सकते हैं स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है ये सप्लाई का दो पॉइंट, यहाँ से हम एसी सप्लाई इसको देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ये स्विच, ये ही सेंट्रीफ्यूगल स्विच है जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया था। इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू ही तुम्हारा जो वाइंडिंग है स्टार्टिंग वाइंडिंग वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब क्या होगा हमारा मोटर जो है वो टॉर्क के थ्रू ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लास्ट में ये वाला, हमारे पास आर का दो टर्मिनल है, ये है रेजिस्टेंस जो मैंने स्प्लिट फेस के लिए बताया था, रेजिस्टेंस यूज़ करके हम उसको ऑन करते हैं। ठीक है, तो अब इसका कनेक्शन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके कनेक्शन के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है देखो R1 है। ठीक है, R1 का एक टर्मिनल है जिसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, हमारे लाइन का जो यहाँ पे मैंने बताया आपको सप्लाई कनेक्शन है। ठीक है, AC सप्लाई है 230 वोल्ट का सप्लाई कनेक्शन है, उसमें मैंने लाइन के एक फेज को किससे कनेक्ट किया है, हमारे रनिंग वाइंडिंग के R1 टर्मिनल से। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल के N टर्मिनल को मैंने किससे कनेक्ट किया है, ये न्यूट्रल के N टर्मिनल को मैंने किससे कनेक्ट किया है, यहाँ पे R2 के इसमें सेकेंड टर्मिनल में। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग के सेकेंड टर्मिनल में कनेक्ट किया है। अब रनिंग वाइंडिंग के एक टर्मिनल से इसी का कनेक्शन है, उसको मैं कहाँ लेके जाऊँगी, स्विच के पास। ठीक है, स्विच के पास लेके जाऊँगी, एक स्विच पे कनेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे रनिंग का सेकेंड जो वाइंडिंग है वो एक कहाँ कनेक्शन रहेगा मेरे पास, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के सेकेंड पॉइंट पे। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो पहला वाला है कनेक्शन वो मेरा कनेक्टेड रहेगा, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कैपेसिटर के लिए, तो हम लोग यहाँ कनेक्शन जो करेंगे वो कैपेसिटर से करेंगे। ठीक है, तो ये एक टर्मिनल इसका कैपेसिटर में लग गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये मैंने आपको बताया सेकेंड स्विच का टर्मिनल जो है वो कैपेसिटर के सेकेंड टर्मिनल पे लगेगा। तो स्टूडेंट्स, ये कनेक्शन हमको समझ में आ गया है। ठीक है, अब इस मोटर को रनिंग में लेके आएंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से एक जो स्विच है हमारे पास इसका वायर हम उसको कनेक्ट करते हैं प्लग से, देन उस प्लग को ऑन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये वाला पॉइंट ऑन कर दिया है। ठीक है, और ये स्विच भी ऑन कर दिया है। अब मैं इसके यहाँ पे स्विच ऑन करती हूँ, अब ये मैं स्विच यहाँ पे ऑन करती हूँ तो मेरा मोटर मूव करना शुरू कर देगा स्पीड से। ये देखो, आप इस मोटर को ध्यान से देखोगे तो ये मोटर जो है वो आपका मूव कर रहा है इन अ वेरी हाई स्पीड। ठीक है, एकदम स्पीड से वो मूव कर रहा है। ये कौन सा कनेक्शन था, हमारे कैपेसिटर के लिए, जब हमने यहाँ पे कैपेसिटर को कनेक्ट किया, वो कैपेसिटर की वजह से क्या हुआ, जब सप्लाई गया तो उसके वजह से स्टार्टिंग वाइंडिंग के थ्रू जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ, जिसके कारण वहाँ पे क्या हुआ, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ मोटर में, वो टॉर्क की वजह से वहाँ पे मोटर जो है वो मूव करना शुरू किया। जैसे ही वो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे जो हमारा स्विच है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, वो स्विच की वजह से क्या होगा, वहाँ पे स्टॉप जो कनेक्शन रहेगा आपके ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोल सकते हो, स्टार्टिंग वाइंडिंग बोल सकते हो कैपेसिटर से, तो उससे वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू वो डिस्कनेक्ट होगा। जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा, हमारे रनिंग वाइंडिंग का काम क्या है, कंटिन्यू मोटर को मूव कराना। तो ये जो मोटर मूव कर रहा है वो रनिंग वाइंडिंग की वजह से मूव कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने जो यहाँ पे अभी हम इसको वापस से स्विच ऑफ करेंगे। ये देखो स्टूडेंट्स, आज अब हमारा मोटर जो है वो बंद हो गया। ठीक है, अब ये जो मोटर बंद हुआ है, अब हम इसमें क्या करेंगे, अभी हमने कैपेसिटर में कनेक्शन किया था। ठीक है, तो स्प्लिट फेज के लिए हम सिर्फ और सिर्फ
ये कैपेसिटर का कनेक्शन निकाल के कहाँ लगाते हैं, रेजिस्टेंस में, ठीक है। सी का जो है हम आर पे कनेक्ट कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है, ये एक कनेक्शन हुआ। ये अब क्या हुआ, हमारा कैपेसिटर जो है वो डिसकनेक्ट हो गया, किसमें कनेक्ट किया हमने, रेजिस्टेंस में। अब हमारा वर्किंग देखते हैं, मोटर कैसे मूव करता है। ये देखो अभी भी हमारा मोटर मूव कर रहा है, लेकिन डिफरेंस ये है जब हमने कैपेसिटर में कनेक्ट किया था तो हमारा जो मोटर था वो बहुत स्पीड से घूम रहा था, जब हमने रेजिस्टेंस में यानी रेजिस्टेंस लगा के जब उसको कनेक्ट किया तो मोटर का स्पीड कम हो गया। तो इफेक्ट क्या दिख रहा है इसमें आपके रनिंग या स्टार्टिंग में, आई मीन टू से कि स्टार्टिंग और रनिंग में आपका इंडक्शन मोटर जो है वो स्टार्ट और रन करेगा, उसमें कैपेसिटर का क्या इफेक्ट है। ये इफेक्ट है कि जब कैपेसिटर को आप कनेक्ट करोगे तो मोटर की स्पीड ज़्यादा रहेगी, ठीक है। रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो कैपेसिटर कनेक्ट करने से हमारी मोटर की स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो इस कनेक्शन में हमारी स्पीड कम है, जब कैपेसिटर से कनेक्ट किए थे तो हमारा स्पीड ज़्यादा था। ये हमारा स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर्स इन स्टार्टिंग एंड रनिंग ऑफ सिंगल इंडक्शन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमारा किट था, ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए। ये मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग इसको स्टडी करेंगे, पहले इसके थ्योरी को, देन हम इसका कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करने के बाद हम इसकी थ्योरी को कैसे हम इस मोटर में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और कैसे हमने स्विच ऑन किया तो हमारा वर्किंग स्टार्ट हो गया। तो वर्किंग में हमें कंक्लूजन सिर्फ इतना मिला कि कैपेसिटर लगाने से इंडक्शन मोटर की स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये इफेक्ट है हमारे जो इंडक्शन मोटर है उसके स्टार्टिंग में या रनिंग में। थैंक यू।